सिद्धेभ्यः जय श्री नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं पंच परमेष्ठी भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की आचार्य श्री गुरुवर विद्या सागर महाराज की उत्तम संयम धर्म की संपूर्ण सृष्टि की विहंगम दृष्टि सत्स्वरूपी थी। तो संसार को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं, महासत्ता को देखते हैं, तो सब कुछ सत नजर आता है। एक ऐसी दृष्टि है, एक ऐसी दृष्टि दी इस दुनिया ने, प्रकृति ने, जिसे महावीर स्वामी ने बताया कि जिस दृष्टि में कुछ असत नजर आता ही नहीं। एक निश्चय नय की दृष्टि है, सबे शुद्धाहु शुद्ध नया, सब शुद्ध ही नजर आते हैं। देखो कैसा पापों से भरा संसार, पापियों से भरा संसार, दुखों से भरा संसार, दुखियों से भरा संसार, कैसा चश्मा खोजा जैन दर्शन ने, कैसा चश्मा खोज के महावीर स्वामी ने दिया, इसको लगाने के बाद कुछ अशुद्ध नजर आता ही नहीं, कुछ भी अशुद्ध नजर नहीं। निगोदिया जीव में भी शुद्धता नजर आती है, नारकियों में भी शुद्धता नजर आती है, पेड़ पौधों में। ऐसा कैसा चश्मा, ये चश्मा जब व्यक्ति के ज्ञान में लग जाता है, सृष्टि का वो सत स्वरूप ही दिखता है। पुद्गल में भी निश्चय नहीं से पुद्गल भी सत स्वरूप ही है, वो भी शुद्ध है। निश्चय नहीं कहता अशुद्ध तो माया है, अशुद्ध तो प्रपंच है, अशुद्धि तो पर निमित्त है, अशुद्धि तो पर से आई है, अशुद्धि मेरा स्वभाव नहीं हो सकता क्योंकि वो पर से आई है, और जो जो चीज पर से आई वो मेरी कैसे हो सकती है। मेरा स्वरूप तो शुद्ध है, अशुद्धि तो किसी ने दी है हमें, मैं तो सदा सोना का हूं, अशुद्धि तो किसी ने मुझे छू लिया है इसलिए अशुद्ध है, वो मेरी देन नहीं है, मेरा स्वरूप नहीं है। जब ये विहंगम दृष्टि जब सत्स्वरूप ने दे दी तो महावीर स्वामी खुद घबरा गए, जैन दर्शन घबरा गया। कई बार बहुत बड़े बड़े ज्ञानी अपनी ही खोज पर घबरा जाते हैं, अपनी ही खोज पर महसूस करते हैं कहीं मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई। बता दे जब सबसे पहले अणु बम की खोज हुई, सारी दुनिया खुशी से झूम उठी, जिसने खोज की थी वो रो पड़ा, इतना रोया कि समझ नहीं,
उसके बाद बताते उसने खोज करना बंद कर दिया। लोगों ने कहा, सरकार ने कहा, सबने कहा, तुम क्यों रो रहे हो? तुमने अमूल्य निधि खोजी है, अमूल शक्ति खोजी है। सारा जगत तुम्हारे लिए जय जयकार कर रहा है, सारा जगत तुम्हारे प्रति सिद्धांतवत है कि तुमने परमाणु की खोज कर ली। तुमने कहा, नहीं, मेरे से बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने खोजा है, एक नई शक्ति खोजी है, लेकिन यही शक्ति 5 सेकंड में सारे दुनिया का नाश कर देगी। जिस दिन दिल और दिमाग जिसका बिगड़ गया, सब स्वाहा हो गया। इस सारे विश्व की जो विनाश है, मालूम किस दृष्टि पे है? उस विज्ञान ने जो परमाणु खोजा था, उसने दुनिया की विश्व की उम्र 5 सेकंड रखी। सारे विश्व की उम्र 5 सेकंड, मात्र 5 सेकंड लगना है, सारा विश्व तबाह हो जाएगा, सारा विश्व। जिस दिन किसी का दिल दिमाग बिगड़ा, उसी दिन ये सारी दुनिया 5 सेकंड में खत्म हो जाएगा। ऐसी ऐसी शक्तियां खोलते, 9 सेकंड के अंदर 135 फीट की ऊंची बिल्डिंग कितनी देर में? 9 सेकंड में धराशायी कर दी। ध्यान रखना, इससे भी बड़ी शक्ति रखी है अभी, जो 5 सेकंड में पूरी दुनिया को धराशायी कर देगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस विज्ञान को महसूस हुआ कि मेरे से गलती हो गई, लाभ तो कम मिलेगा, विनाश ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि उसके पास, पर वो तो खोज चुका था, उसके बाद उसके हाथ में नहीं रहा, वो तो बाहर बात पहुंच चुकी थी, वो तो उसकी सारी विधि उजागर कर चुका था, अब वो लौटा नहीं सकता। पूरी विधि खुलासा हो गई, परमाणु कैसे बनता है, अब कोई लौटा ही नहीं सकता। मुंह से निकली हुई आवाज, बंदूक से निकली हुई गोली और ज्ञानी के ज्ञान से निकला हुआ ज्ञान कभी वापस नहीं हो सकता। निकल गई गोली, निकल गई गोली, निकल गई, निकल गई, और ज्ञानी का ज्ञान एक बार यदि बाहर निकल जाए, लाख उपाय करे वो ज्ञानी अपने ज्ञान को वापस, वो तो निकल गया, सबने स्वीकार कर लिया। अज्ञानी की बात, मूर्ख की बात कोई ग्रहण नहीं करता, वो वापस हो सकती है, क्योंकि उसको कोई सुनना ही नहीं चाहता, कोई सुनता ही नहीं है। लेकिन ज्ञानी की बात तो शब्द श्रद्धा से सुनते हैं, आस्था से सुनते हैं। कोई शब्द ऐसा कहा जाए और फिर मैं कहूं, भैया कोई याद मत करना जो मैंने कहा था, याद नहीं करना, देखो मैंने कल एक बात बोला था ना, कोई भी याद नहीं करना, भूल जाओ। अब वो सबसे ज्यादा याद, वो तो महाराज याद हो ही गया है। याद की हुई वस्तु को जितना भूलोगे उतना ही और याद गए, क्योंकि ये वचन ज्ञानी के हैं, सिद्धे के हैं, और सिद्धे का वचन लोग ऐसे स्वीकार करते हैं कि वह अब वापस नहीं हो सकता। लेकिन महावीर स्वामी चेत गए, जैन दर्शन चेत गया, उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने उजागर कर दिया, ये कैसा चश्मा दे दिया, सब शुद्ध हैं, कोई अशुद्ध है ही नहीं दुनिया में, सब सत स्वरूप है, असत कुछ है ही नहीं, सब सत्य है, असत्य कुछ है ही नहीं, द्रव्य सत, पर्याय सत, गुण सत, सब सत्य सत्य, मतलब वहां असत्य नाम की चीज नहीं थी। महावीर स्वामी घबरा गए, ओहो अनर्थ हो जाएगा, सारे पापी पाप करेंगे और कहेंगे हम तो, सारे व्यक्ति कसाय करेंगे हम तो शुद्ध हैं, सब कहेंगे हम तो शुद्ध हैं, हम अशुद्ध कभी होते ही नहीं है, कोई कुछ भी कर ले, हम तो त्रिकालिक शुद्ध हैं, शुद्ध थे, शुद्ध हैं और शुद्ध रहेंगे, हम कभी अशुद्ध होते ही नहीं हैं, कभी नहीं होते, निश्चय नहीं से कभी अशुद्ध नहीं हुआ व्यक्ति, चाहे निगोद चला जाए, कहीं चला जाए, उसकी दृष्टि में शुद्ध है।
ये सत्य की विहंगम दृष्टि, सत्य की महासत्ता, सत्य के ये स्वरूप के बाद महावीर स्वामी तुरंत भयभीत होकर के उन्होंने संयम का उपदेश दिया। वो वैज्ञानिक संयम का उपदेश नहीं दे पाया, दे भी नहीं सकता था, लेकिन महावीर जानते थे मेरे भक्त मेरी इस विहंगम दृष्टि को स्वीकार कर चुके हैं, ये तो वापस करेंगे नहीं, और महावीर भी नहीं चाहते हैं कि मेरा दिया हुआ माल, दान का दिया हुआ माल वापस करने का कभी भाव मत करना। व्यापार में बेचा हुआ भाव फिर भी भूल चूक लेना, विनिमय किया है तो ले लो, दे दो, गलती हो गई तो वापस कर जाओ, लेकिन दान की दी हुई वस्तु ना तो वापस लेने का भाव करना और ना वापस करने का भाव करना। दान में दी हुई वस्तु कभी, कोई भी वस्तु कभी दान में बोल दी है, कभी स्वप्न में उस बोली को वापस लेने का भाव मत करना, कभी उस दान को वापस लेने का भाव नहीं करना। दिया हुआ दान वापस लेना बहुत बड़ा पाप है, अपराध है, दुर्गति का कारण है दिया हुआ दान। और दिया हुआ जिस साधु ने दान, जिसको दान दिया है, यदि वो दान वापस करता है तो उसके ना जाने कितने भवों का पुण्य क्षय हो जाता है। दान कभी वापस नहीं करना। एक सज्जन थे, बहुत बड़े आदमी थे, वे सबके यहाँ व्यवहार भेजते थे, व्यवहार उनके यहाँ कार्यक्रम हुआ तो उन्होंने व्यवहार लेना बंद कर दिया। बोले सब कोई, सब लोगों से मेरी विनती है आप लोग मुझे कोई व्यवहार ना दे। वो बड़े आदमी के ज्यादा व्यवहार देने आते लोग, किसी का व्यवहार क्या आएगा, व्यवहार में 2-5 लाख व्यवहार में कितने आते हैं, 2-5-10 लाख, इससे ज्यादा क्या आएंगे। करोड़ों हम खर्च कर रहे हैं, 100-100 करोड़ की शादियां कर रहे हैं, 10-5 लाख में क्या होता है। सभी से उनने हाथ जोड़ लिए, बोले भाई सब लोग अपना व्यवहार लिफाफा यहाँ जमा ना कराएं, आप लोगों को तो बिना उसके स्वागत है, और हम जो भेंट देवे बोले। मैं वही था, मेरे पास ये समाचार आया, मैंने तुरंत उनको बुलाया, मन की बहुत अहंकार हो गया है पैसे का, बहुत अहंकार हो गया पैसे का, ये पैसा जमीन में मिला देगा, ये व्यवहार है, ये भेंट है, ये दान है, जो दे रहा है इसको नहीं ठुकराना, 1 रुपया भी है तो माथे से लगाकर स्वीकार करना। जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर भरत चक्रवर्ती के यहाँ अक्षय निधियां थी, अक्षय भंडार थे, लेकिन जो राजा भेंट लेके आता था चक्रवर्ती उसे स्वीकार करता है, हाथ लगाता है। अब चक्रवर्ती की काय की कमी है, क्या अक्षय निधियां है, जो लेके आता है उसको हाथ लगा स्वीकार, और वो जो भेंट में आती वो भंडारे में जाएगी, वापस नहीं जाएगी। जो भेंट आएगी वो भंडारे में जाएगी, कोषकार में, वापस नहीं जाएगी। उसके बदले फिर अपनी जो निधि है वो चक्रवर्ती कई गुनी जो भेंट में आते थे उससे कई गुनी राजा को भेंट लौटाते थे, लेकिन उसकी भेंट रखते थे। इसलिए दी हुई वस्तु, वो भी दान में दी हुई वस्तु, ना वापस लेना और ना कभी वापस देना। जो आ गया है, दान में आया है, स्वीकार करो, वापस नहीं देना, वापस नहीं कर सकते। हम मुनिराजों को भी कहा है कि अंजलि में किसी ने तुम्हें ज्यादा माल रख दिया है, अब नहीं, अब थोड़ा सा इसमें वापस ले, थोड़ा सा निकाल लो, वापस नहीं कर सकते। अंजलि में आया हुआ आहार को यदि कोई उठा लेता है या महाराज उठा के दे देते हैं, अंतराय कहा है, महान पाप दोष कहा है। दान में आई हुई वस्तु तुम वापस नहीं कर सकते, दान में दिया हुआ हार वापस नहीं ले सकते, नहीं लेना है तो फेंक दो,
नहीं लेना है तो अंतराय कर दो, बैठ जाओ पूरा हार मेरे, लेकिन वापस नहीं कर सकते। महावीर ने यही सोचा, मैंने जो उपदेश दे दिया ये वापस तो नहीं लूंगा, क्योंकि उपदेश दे दिया और मेरे भक्त मेरी बात वापस देने को तैयार भी हो जाओगे, मैंने तुम्हें सबको आशीर्वाद दिया है कि नहीं, बोलते नहीं हो, सब लोग मेरा कहना मान जाओ, वापस करो, वापस करो। महाराज जी आपको जो करना हो तो करो, आशीर्वाद तो वापस नहीं करूंगा। देखो मैंने दिया था, मेरा है, मेरी वस्तु पर तुम लोग मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो, सब मान लूंगा, बस इस चीज में नहीं मानूंगा, आशीर्वाद तो वापस दे दोगे के हैं? नहीं देना, क्योंकि गुरु से जो मिल गया वो मिल गया। मैंने आशीर्वाद का व्यापार नहीं किया है, मैंने आशीर्वाद दान में दिया है, मैं ले भी नहीं सकता, मैं ले नहीं सकता और भक्त दे नहीं सकता। कह दिया भगवान ने कि नहीं, सभी शुद्ध स्वरूप है, सबको आनंद आ गया, विहंगम दृष्टि, सत्स्वरूपी दृष्टि। लेकिन तुरंत उन्होंने कहा, मैं तुम्हें संयम का उपदेश देता हूं, सारी दुनिया जानने योग्य है, सारी दुनिया देखने योग्य है, हमने शुद्ध दृष्टि दी है, शुद्ध क्रिया नहीं दी। क्या दिया? मैंने देखने का चश्मा दिया है, क्रिया का चश्मा नहीं दिया। देखो इस दृष्टि से, इस निश्चय नय की दृष्टि से देखो, सब शुद्ध नजर आएंगे, कोई अशुद्ध आएगा ही नहीं, ये दृष्टि है, दृष्टि के लिए मनाही नहीं, क्रिया नहीं दी है, क्रिया संयम के हवाले कर दी। सारी दुनिया में जो तुम देख रहे हो, जो कुछ कर रहे हो, जो दुनिया में है वह ग्रहण करने लायक हो, ये कोई नियम नहीं, जो दुनिया में है सब उपादेय हो, ये कोई नियम नहीं, शुद्ध वस्तु भी उपादेय हो, ये कोई नियम नहीं, शुद्ध है दृष्टि में शुद्ध है, लेकिन कुछ शुद्ध वस्तुएं ऐसी हैं जो उपादेय नहीं। कोटा में एक बार गोष्ठी हो रही थी श्री पद्म पुराण जी के ऊपर, अचित्य पर प्रसंग चला, अचित्य खाने योग्य है। तो एक पंडित जी बोले, महाराज जी अचित्य खाने योग्य है तो आलू प्याज और बैगन उबाल के खाने में क्या दोष है? उबाल के खा लो, अचित हो गया। मांस तो ठीक है, उबलने के बाद भी ठीक नहीं होता, लेकिन आलू प्याज तो उबाल करके आलू चिप्स बनाकर तलकर तो खा ही सकते हैं, उसमें तो कोई जीव नहीं है ना, कोई जीव नहीं है। तले हुए आलू चिप्स में, बैगन में तलने के बाद, सब्जी बनने के बाद कोई जीव नहीं बचता उसमें, जीवों से रहित हो गए। मैंने कहा ये किसने कहा कि जीव रहित होने से वस्तु भक्ष हो जाती है? अग्नि में जाने के बाद जीवों से रहित हो गया, प्रासुक तो हो गई, वो जीव तो नहीं रहा, ये तो पक्का हो गया। लेकिन जो जो जीव जीव रहित है वे सब खाने योग्य हैं, ऐसा कहां लिखा संसार? ऐसा कहां लिखा? कहीं नहीं लिखा। मैंने कहा कि भाई देखो, मूत्र सदा जीव रहित होता है लेकिन वह पीने योग्य, जीव रहे थे उस समय। मुर्दे की राख, मुर्दे की राख जलकर राख हो गया, अब वो हड्डियां जीव रहे थे लेकिन उसका पानी पापड़ बनाया जा सकता है, खारा होता है लेकिन अभक्ष है। कितनी चीजें हैं जो अचित्य हैं लेकिन अभक्ष हैं। महावीर स्वामी आज उत्तम संयम के दिन बहुत बड़ा रहस्य उद्घाटित किया, संभाल लिया। महावीर थे ना, वेद विज्ञानी थे ना, केवल ज्ञानी थे, वैज्ञानिक नहीं थे। विज्ञान आविष्कार करने के बाद अपनी लगाम अपने हाथ से छोड़ देता है, और ज्ञानी अपने ज्ञान के आविष्कार करने के बाद लगाम अपने हाथ में रख लेता है, अपने हाथ में रख लेता है। सत स्वरूप उद्घाटन करने के बाद संयम की लगाम अपने हाथ में लगी, बोले खबरदार रुको, जो जो चीजें दुनिया में शुद्ध है
वे सब ग्रहण करने लायक हो ऐसा कोई नियम नहीं है। जो जो दुनिया में है, सब देखो, सब सुनो, सब सब कुछ करो, लेकिन ग्रहण क्या करना है, हानि उपादान। आज का दिन हानि और उपादान का है। इनमें पहचानो कौन से शुद्ध तत्व हे हैं, कौन से शुद्ध तत्व हे हैं, शुद्ध तत्व कौन सी क्रिया, कौन सा व्यक्ति किस दृष्टि से शुद्ध है और वो शुद्ध हे है। निगोदिया जीव शुद्ध निश्चय न से शुद्ध है, लेकिन जीवन में अपनाने के लिए हे है। नारकी भी शुद्ध दृष्टि से शुद्ध है, लेकिन वो नरक जाने की बात कही जाए तो हे है। कितनी योनियां हैं जो योनियां दृष्टि से शुद्ध हैं, लेकिन उन योनियों को प्राप्तव्य नहीं है, ग्रहण करने योग्य नहीं है। जानने योग्य हैं, समझने योग्य हैं, लेकिन ग्रहण करने योग्य नहीं है। तुरंत अंकुश लगा दिया, और वह अंकुश आज संयम, संयम का अर्थ है अपने आप को, उपादेय को पहचान लेना। इन सब में से हमारे काम का क्या है, इन सब में से मेरी दृष्टि किस में आएगा, छांटना, देखना, समझना कोई विशेष अनुशासन नहीं, लेकिन छांटने में बहुत अनुशासन। अपने ज्ञान को अनुशासित करो, संयम ज्ञान की वह पर्याय है जो सत्य के द्वारा जाने हुए विहंगम वस्तुओं में से ज्ञान अनुशासित करता है। ये शुद्ध हे है, ये अशुद्ध अवेय है। हे उपादेय को छांटता है ज्ञानानुशासन। ज्ञान तो सदा से सभी के पास है, लेकिन सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, वो तो सबके पास है। सदा से थे, शाश्वत है, अविनाशी है, वो तो आत्मा का लक्षण है, लेकिन लेकिन सम्यक ज्ञान क्या है। सम्यक ज्ञान इस संपूर्ण सृष्टि के सत स्वरूप में से उपादेय सत को जानता, छांटता है। यह उपादेय है, यह हे है, उसे सम्यक ज्ञान कहो या ज्ञानानुशासन कहो। सम्यक दृष्टि को त्याग नहीं करता, लेकिन ज्ञान का अनुशासन जानता है कि हे क्या है, उपादेय क्या है। और ज्ञान जब अनुशासित हो जाता है तो संयम के दो रूप सामने आते हैं, इंद्री संयम और प्राणी संयम। सत्य पर, सत्य के ऊपर संयम कह रहा हूं, असत्य के ऊपर तो संयम होता ही नहीं। असत्य के ऊपर कोई संयम नहीं होता, असत्य तो असत्य ही है, वो तो मिथ्या है, वो तो कल्पना है, वो तो भ्रम है। मिथ्या नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, मिथ्या कल्पना है, मिथ्या मिथक है, मिथ्या हमारी मन की फितूरी है, मिथ्या हमारा विक्षिप्तपना है, मिथ्या शराब के नशे का नशेड़ा है। मिथ्या नाम की चीज दुनिया में होती ही नहीं, इसलिए नाम ही मिथ्या। शब्द का अर्थ क्या है बोलो, झूठा है ही नहीं, वो देव है ही नहीं तुम देव मान रहे, वो गुरु है ही नहीं गुरु मान रहे, वो साथ है ही नहीं तुम साथ मान रहे, सृष्टि ऐसी है ही नहीं तुम ऐसा मान रहे, द्रव्य ऐसा है ही नहीं ऐसा मान रहे, भगवान ऐसा है ही नहीं तुम मान रहे। ये सब मिथ्या, झूठ नाम का मिथ्या है, दून झूठ नाम का कोई अस्तित्व है ही नहीं, इसलिए उसका नाम जनाचार मिथ्या रहा। इसे जो है ही नहीं उस पर क्या अंकुश करना, सत्य पर अंकुश करना, सत्य के बाद संयम का रखना बहुत बड़ी चीज है। धर्मात्मा पर ही संयम होता है, धर्मात्मा ही संयम अंगीकार करता है, अधर्मात्मा नहीं, पापी नहीं। धर्मात्मा को संयम चाहिए। जो व्यक्ति सज्जन है, सारे कानून अच्छे लोगों के लिए होते हैं, बुरे लोगों के लिए नहीं, बुरा तो कानून मानते ही नहीं। जितने कानून हैं सब अच्छे लोगों के लिए हैं, संयम जो है उन अच्छे लोगों के लिए है जिन्होंने सत्य जान लिया, जिन्होंने क्रोध को जीता, मान को जीता, माया को जीता, लोभ को पवित्र होकर के पवित्र आंखों से। देखो कैसा हमने कहा था ना, लोभ के दिन ज्ञान पवित्र,
ज्ञान का सारा मैल हटा दिया, जिसका सब कुछ पवित्र, मन पवित्र, सब कुछ पवित्र हो गया, ऐसा शुद्ध व्यक्ति सत्य देख सकता है। जिसका ज्ञान अशुद्ध हो, मन अशुद्ध हो, इंद्रियां अशुद्ध हो, उसको कभी शुद्ध दिख ही नहीं सकता। तो पहले चार कषायों से शुद्ध करके कहा, देखो अब इस पवित्र आंख से, पवित्र ज्ञान से, पवित्र ध्यान से इस दुनिया को देखो, सत्य नजर आ जाएगा। और कभी तुमसे असत्य हो भी जाएगा तो तुम्हारा ऐसा चमत्कार होगा कि वो असत्य भी सत्य हो जाएगा। कल कहा था, उस सत्यवान व्यक्ति को, उस पवित्रवान व्यक्ति के लिए संयम का उपदेश, पापियों के लिए नहीं है महानुभाव, संयम का उपदेश किनके लिए, जो अभिरति है, जो सत्य को जान गए। मिथ्या दृष्टि को संयम का उपदेश नहीं है। मिथ्या दृष्टि संयम धारण कर भी ले तो हमारे शास्त्रों में उसकी काउंटिंग नहीं होती। मिथ्या दृष्टि यदि संयम धारण कर ले, मुनि बन जाए, वृत्ति बन जाए, उसको हमारे यहां संयमी कहा ही नहीं गया। कितना ही कर ले, बिल्कुल घोर से घोर मुनिराज बन जाए, महान मुनिराज बन जाए, लेकिन मिथ्या दृष्टि के संयम होता ही नहीं है, होता ही नहीं। निर्दोष शरिया पाल रहा है, 28 मुंह पाल रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जैन दर्शन कहता है मिथ्या दृष्टि का संयम होता ही नहीं। संयम किसको होता है? सम्यक दृष्टि को। सम्यक दृष्टि यदि संयम करे, यानी सत्य को जानने वाला संयम ले, सत्य कहो सम्यक दृष्टि कहो एक ही बात। सम्यक दृष्टि और कुछ नहीं करता। सम्यक दृष्टि अपनी जिनवाणी के माध्यम से, गुरु के माध्यम से संपूर्ण सृष्टि को यथावत जान लेता है, यथावत देख लेता है, स्वस्तु स्वरूप ऐसा है। जो सम्यक दृष्टि है, जिन्होंने अपनी दृष्टि पवित्र कर ली है और उस सम्यक दृष्टि से, सम्यक ज्ञान से सारी दुनिया के द्रव्य गुण पर्याय छिद्र आदि सब जान लिए हैं, उनके लिए कहा अब तुम संयम बरतो। कंगाल के लिए संयम नहीं, अमीर के लिए संयम। जिसके पास गाड़ी नहीं है उसको ब्रेक नहीं, जिसके पास गाड़ी है उसको ब्रेक। जो संयम है, सम्यक दृष्टि के लिए संयम का उपदेश पूज्यवर जैनाचार्य दे रहे हैं। और संयम किसका, क्या चीज है? अनुशासित हो जाओ। अभी तुम्हारी दृष्टि बहुत स्वतंत्र हो गई थी, सब जानो, सब देखो, सब बोलो, सब कहो, जो कुछ तुम्हें, लेकिन अब तुरंत दूसरे दिन कह रहे हैं अब तुम सब मत देखो, बुरा मत देखो, बुरा मत सोचो, अब सापेक्ष दृष्टि आ गई, पर्याय की तरफ आ जाओ। सत्य द्रव्य दृष्टि ले जाता है, संयम पर्याय दृष्टि ले जाती है। जब पर्याय दृष्टि आती है तो चारित्र उत्पन्न होता है, और जब द्रव्य दृष्टि आती है तो सत्य उत्पन्न होता है, सम्यक दृष्टि होता है। सम्यक दृष्टि जो होता है द्रव्य दृष्टि से होता है, और चारित्र होता है पर्याय दृष्टि से होता है। चारित्र एक पर्याय का नाम है, एक क्रिया का नाम है, एक व्यवहार का नाम है। उन्होंने कहा कि अब तुम क्रिया में आ रहे हो तो ध्यान रखना, ज्ञानानुशासन सब तुम्हें ग्रहण नहीं करना। जानना सब है लेकिन सब चीजें तुम्हें ग्रहण करने योग्य नहीं है, सब चीजें तुम्हें प्राप्त करने योग्य नहीं है। ज्ञान से भेद विज्ञान, सम्यक दृष्टि को भेद विज्ञान नहीं होता है, सम्यक दृष्टि होने के बाद भेद विज्ञान होता है। सम्यक दृष्टि को ही भेद विज्ञान होता है, लेकिन भेद विज्ञान से सम्यक दर्शन नहीं होता, वो तो मिथ्या दृष्टि को नहीं है। सम्यक दृष्टि होने के बाद फिर आता है भेद विज्ञान। सत्य के बाद जैसे संयम आया, और संयम का अर्थ है भेद विज्ञान, दूध नीर क्षीर विवेक मत, नीर क्षीर को अलग करो। हंस बनने का काम है संयम, नीर नहीं क्षीर को ग्रहण करो। और ऐसा अपने आप को करो ज्ञान के माध्यम से,
पन्नाए घिटब्बो, विज्ञा रूपी छैनी से अलग करो सत्य में से जिंदगी कितनी चीजें ग्रहण करने योग्य है, जिन परम पैनी सुबुद छैनी डार अंतर भेदिया वर्णादि अरु रागा दीते निज भाव को न्यारा किया। यह है संयम। संयम क्या? उसी में से जिसको उसने जाना था। छैनी जोड़ती है कि काटती है? काटती है। जिन परम पैनी पन्ना ये घित समय सार में छठाला में कहा, उस परम रूपी छैनी से, इस अनुशासित ज्ञान की छैनी से ज्ञान अलग है और प्रज्ञा अलग है, ज्ञान अलग है और प्रज्ञा अलग है, सम्यक ज्ञान अलग है और प्रज्ञा अलग है। ज्ञान से जाना जाता है, ज्ञान से छटाई नहीं हो सकती। ज्ञान जान सकता है, सम्यक ज्ञान की बात कर रहा हूं, सम्यक ज्ञान जान सकता है लेकिन सम्यक ज्ञान हे उपाधि का भेद नहीं कर सकता। जैसे विज्ञानी खोज कर सकता है, वो ये नहीं कर सकता ये खोज अच्छी है या बुरी, उसका तो सोच है कुछ नया खोजना है। अभिरत सम्यक दृष्टि ऐसा ही ज्ञानी है जो सब जान सकता है लेकिन उसको छांट नहीं सकता। उसके लिए चाहिए भेद विज्ञान प्रज्ञा, प्रज्ञा संयम को प्रकट करा, संयम से प्रकट होती है। सम्यक ज्ञान चौथे गुण स्थान में प्रकट हो जाता है लेकिन प्रज्ञा उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि वो हे उपाधि को छांटता नहीं है। और जैसे ही प्रज्ञा उत्पन्न होगी, प्रज्ञा संयम से प्रकट होती है। वही ज्ञान जब प्रज्ञा बन जाएगा तो ज्ञान रूपी छैनी नहीं, प्रज्ञा रूपी छैनी से जिन परम पैनी सुबुध छैनी डार अंतर, बोध नहीं सुबुध, सुबुध कहो। कुंदकुंद स्वामी ने तो ज्ञान का नाम ही नहीं लिया, उन्होंने तो पढ़ना ही घट तब वो शब्द से प्रयोग किया। प्रज्ञा के द्वारा करो, किसको न्यारा करना? वर्णादि अरुरागादि ते निज भाव को, अब अलग करो वर्णादि। वर्णादि सत्य है, शुद्ध स्वरूप है, किसी द्रव्य के गुण हैं, विशुद्ध दृष्टि में आए थे लेकिन चूंकि वह शुद्ध होकर के भी ग्रहण करने योग्य नहीं है। वर्णादि शुद्ध हैं लेकिन वे ग्रहण करने योग्य नहीं है। ऐसी प्रज्ञा के द्वारा ज्ञानानुशासन, और जब ज्ञानानुशासन हो जाए, आज अनुशासन की बात है, संयम का नाम अनुशासित हो जाओ, त्याग नहीं है, अनुशासित हो जाओ अपनी दृष्टि को अपने ज्ञान को। मनानुशासन, मन का अनुशासन, लगाम लगाओ मन को। मन मिला है तुम हर कहीं मन को नहीं ले जा सकते, हर चीज मन में विचार नहीं कर सकते। मनानुशासन सबसे पहले तो ये करो, द्रव्यानुशासन पहला, ज्ञानानुशासन हे क्या उपादे क्या, फिर द्रव्यानुशासन। द्रव्यानुशासन का अर्थ है तुम कौन हो, तुम्हारा द्रव्य समय क्या है, मुनि है, शिवरात्रि है, श्रावक हो, माता पिता हो, क्या हो तुम? द्रव्यानुशासन, तुम्हारा द्रव्य इस समय किस पद पर बैठा है, तुम्हारा द्रव्य इस किस नाम से जाना जा रहा है, तुम किस नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हो। द्रव्यानुशासन, सब कुछ करने योग्य नहीं। मेडिकल में सभी दवाइयां हैं लेकिन तुम्हें सभी खाने योग्य नहीं है। मेडिकल में दवाइयां सभी दवाई होती हैं कि नहीं? इस संसार में सब कुछ, मैंने कहा सत्य, सब दवाइयां हैं तो सभी दवाई खा लो एक एक, मर जाओगे। सत्य धर्म मेडिकल के समान है और संयम धर्म डॉक्टर के समान है, जो कहता है सब दवाइयां हैं। साहब आपने कहा कि रोग की दवाई, तो दवाई तो दवा खाना है हमारे पास, एक एक गोली खा लूं? नहीं, डॉक्टर कहता है, डॉक्टर कहता है हर दवाई तुम्हें खाने योग्य नहीं है। डॉक्टर का नाम है संयम, जो दिशा निर्देश देगा। सभी दवाइयां नहीं, फलाने नंबर की फलानी कंपनी की फलानी दवाई ही खाना, तो सारी दवाइयों को छोड़ते हुए उस एक गोली को निकाल लेने का नाम है उत्तम संयम। मेडिकल की सारी दवाई खा जाओगे, असंयम मर जाओगे।
दवाई मारती है कि जलाती है? जलाती है, और तुम तो मर गए। मैंने कोई जहर थोड़ी खाया था, दवाई ही खाई थी। मैंने जहर नहीं खाया था, दवाई खाई थी महाराज, और मैं मर गया मेरा बेटा। मैंने सत्य ही जाना था, जो शुद्ध था उसी को ग्रहण करा था, फिर भी मेरा अनर्थ हो गया। नहीं, तुमने बहुत बड़ी भूल की है। दवाई तो थी, लेकिन कौन सी दवाई खाने योग्य था ये तुम्हारे लिए ज्ञान नहीं था। ये डॉक्टर चाहिए। आज संयम का दिन ये कह रहा है, संसार में सारी चीजें हैं, तुम कौन हो? तुम्हें कौन सी बीमारी है? तुम किस पद पर बैठे हो? मुनि हो? तुम सब कुछ नहीं कर सकते। तुम श्रावक हो? सब कुछ नहीं कर सकते। तुम शिवरार्थी हो? सब कुछ नहीं कर सकते। तुम कौन हो? उत्तम संयम धर्म कहता हमें क्या करना चाहिए, हमें कौन सी दवाई खाना चाहिए। पहले जांच कराओ तुम्हारी बीमारी कौन सी है, पहले जांच कराओ तुम कौन हो। उत्तम संयम धर्म, इतना पक्षपात। मैंने कहा ना, उत्तम संयम का अर्थ भेद विज्ञान। भेद डालता है, इतना भेद डालता है, इतना भेद डालता है कि ऐसा लगने लग जाता है ये तो पक्षपात कर रहा है। संयम इतना बड़ा भेद डालता है, पक्षपात लगने लग जाता है। वही कार्य एक को मना कर देता है, एक को निषेध कर देता है। एक बार मैंने कहा ना, उसने कहा, मैंने कहा कि दो बार भोजन करना जो करेगा वो नरक जाएगा। जो दो बार भोजन करे, चाहे भली अल्पाहार करे चाहे पानी पिए, वो नरक जाएगा जाएगा जाएगा। महाराज आज संयम के दिन है, थोड़ा वचन में लगाम लगा के बोलो। जो गाएगा वो जाएगा। मैं आगम के विरुद्ध नहीं बोलता हूं, आगम में लिखा है। तो या तो सब नरक जाना मंजूर करो, अन्यथा आज से जिंदगी में दूसरी टाइम खाना पीना बंद करो। लिखा है शास्त्र, बोलो अनर्थ हो जाएगा कि नहीं। बोले महाराज जी आप राजस्थान में नहीं है, बुंदेलखंड में है, जहां हम बच्चे बच्चे तुम्हारे गुरु जी के प्रवचन सुने हुए हैं। यहाँ आपकी धांधली नहीं चल, यहाँ हमारे, यहाँ आपके गुरु महाराज ने खूब प्रवचन दिए हैं। आज तक उन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा जो शाम को खाएगा वो नरक जाएगा। आप कितने करो, हम लोगों पे कोई प्रभाव पड़ने वाला, उड़ा दी ना हमारी बात। उत्तम संयम धर्म कहता है, तू क्या बोला? तो मैंने क्या बोला, मैंने तो यही तो लिखा है, आपने तो लिखा था दो बार खावे तो नरक जावे। तो बोले संयम से बोलना, किसको लिखा आगे पीछे दे, इससे क्या मतलब है? ये पक्षपात थोड़ी करना दे, इससे क्या मतलब है? जो दो बार खाए वो नरक जाए, अनर्थ हो जाएगा। उत्तम संयम धर्म कहता है भेद करो। मुनि महाराज खाए तो नरक जाए, श्रावक तो तीन बार खाए तो भी। ये भेद किसने डाल दिया? भेद संयम ने, मुनि महाराज के लिए लिखा है। भाव भी करे तो दुर्गति जावे, और श्रावक भाव तो छोड़े दो बार जम के डकार ले। संयम ने भेद कर दिया श्रावक का, और भेद करता जाएगा, भेद करता जाएगा। बस वो पूछता है तुम कौन हो? संयम का अर्थ अपने आप को पहचानो द्रव्य दृष्टि से, मैं कौन हूं, किस नाम से तुम दुनिया में जाने जा रहे हो, किस नाम से तुम अपने आप को अनुभूति करते हो। मुझे पूछ लेना कि मैं अपने आप को क्या मानता हूं, पूछ लेना। हम कहीं जा रहे हो तो बोले क्या मानता हो, कोई कुछ भी बोल देना, अपना रिश्तेदार, ब्याई जी साहब कहां जा रहे हो, हम सुनेंगे। बेटा कहां जा रहे हो,
सुनेंगे और भी रिश्ता बना लेना संसार के सारे। और जैसे इनका मुनि महाराज जी, तो हम तुरंत सुने क्या कह रहे हैं, इसका अर्थ है मैंने अपने आप को क्या मान लिया, तुमने और संबंध बताया मैंने माने ही नहीं। संयम धर्म कहता है तुम अपने आप को क्या मानते हो, किस नाम से तुम्हारी प्रसिद्धि है, किस नाम से तुम्हें अनुभूति है, वो नाम बताओ, उसके बाद बताया जाएगा कि तुम्हें क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद बताया जाए। संयम धर्म पहले भेद कर रहा है, सत्य ने कोई भेद नहीं कहा था, सभ्य शुद्धाऊ शुद्धनया, संयम कहता भेद करो, क्षेत्र का भेद न, जो कोई कार्य करना है छूट दी गई, बोले नहीं कहां बैठे हो, क्षेत्रानुशासन, द्रव्यानुशासन, क्षेत्रानुशासन। संयम धर्म कहता है ये कार्य तो मुझे करने की छूट दी गई ना, आप पूछो, पर आज हमें तो दो बार खाने की छूट है, तो बैग में रख लो पूरी और यहीं बैठे बैठे खाते रहना। बोलो संयम होगा कि असंयम, क्षेत्रानुशासन, तुम्हें करने की छूट है, कार्य गलत नहीं है, शुद्ध कार्य है, कोई बाधा नहीं, आगम से बाधा नहीं, किसी से बाधा नहीं, लेकिन कौन सा कार्य कहां करना है ये संयम भेद करता है। पहले क्षेत्र बताओ कौन सा है, मंदिर में भोजन दाल रोटी कोई निंदनीय तो नहीं है, लेकिन मंदिर में वेदी के ऊपर बैठ के खावे तो, क्षेत्रानुशासन, क्षेत्र का अनुशासन करो, क्षेत्र को पहचानो, यह क्षेत्र कौन सा है, उस क्षेत्र में अपने आप को संयम धारण करो, क्षेत्र संयम। बहुत बड़ी भूल हो जाती कई बार क्षेत्र संयम, आज क्षेत्र संयम हो रहा है उसका परिणाम सम्मेश कर बर्बाद हो रहा है, क्षेत्र का संयम छूट गया, वो शेष सम्मेश शिखर थी, वहां खाया पिया नहीं जाता था, लोगों को लौटते समय शीतल नाले पर लड्डू दिए जाते थे, ऊपर कहीं पानी तक भी मिलता। हम लोग जब 83 में गए पूज्य गुरुदेव के साथ में, हम लोग कमंडल नीचे रख दिए, आचार्य ने कहा कि नहीं एक कमंडल तो ले लेने दो कहीं लघु सिंगा, उन्होंने कहा क्षेत्रानुशासन ये सम्मेश शिखर है, इस सम्मेश शिखर पर कहीं लघु शंका मत कर देना, थूकना भी नहीं, यहां का कणकर क्षेत्र है, पवित्र है। देखो शौच जाने की मनाही नहीं थी, लघु शंका जाने की मनाही नहीं थी, लेकिन सम्मेश शिखर पर पड़ा जाने की महान मनाही थी। ये है संयम, क्षेत्र संयम, ये क्षेत्र पवित्र है, ये सिद्ध क्षेत्र है। और आज सबसे ज्यादा पारसनाथ टोंक तक दुकानें पहुंच गई, ये क्षेत्र संयम का परिणाम है, हमारे सारे क्षेत्र का अतिशय शक्ति खत्म हो गई। महानुभाव अपनी जिंदगी में पहला तो नियम करना, हर चीज करने योग्य है ऐसा मत मानना, तुम कौन हो। सारी दुनिया रात्रि में खा रही है तो तुम खाओगे नहीं, तुम कौन हो, जैन हो, जैन, जैन रात में खाएगा तो सीधा नरक जाएगा। तो पर महाराज सारी दुनिया नरक जाएगी सब रात में खाते, नहीं वो उनका जरूरी नहीं है, तुम जैन हो, तुम्हारा द्रव्य जैन नाम से जाना जाता है, जैन नाम से तुम्हारा परिचय है, तुम रात में खाने का भाव भी करोगे तो नरक जाओगे। जैसे मुनराज दो बार खाने का भाव करें तो नरक जावे, ऐसे जैन कुल में जन्म लेने वाला जैन श्रावक रात्रि में खाने का भी भाव करेगा तो भी वो नरक जाएगा, क्योंकि जैन है, कोई नहीं रोक सकता। रात्रि में खाने का भाव करना मात, मैंने उदाहरण दे दिया, मुनराज ये सारी दुनिया रात में खा रही है तो मन की उनका कोई नरक जाना जरूरी नहीं, क्योंकि उनके बाप भी रात में खाते हैं, उनके गुरु भी रात में खाते हैं, उनकी जाति भी रात में खाती, उनके सब कुछ रात में खाते हैं। अब बेटे ने रात में खा लिया तो कौन सा पाप कर लिया, क्योंकि सब कैसे थे, लेकिन तुमने रात्रि भोजन का ज्यादा पाप नहीं है, सबसे बड़ा पाप है कि तुमने अपने द्रव्यानुशासनहीनता की है। तुम जैन होकर के खाया तो तुमने बाप दादों को कलंकित किया, तुमने गुरु को कलंकित किया, तुमने शास्त्र को कलंकित किया,
तुमने अपनी जाति को कलंकित किया, ये पांच पाप तुमने किए हैं जो असह्यम है, इसलिए तुम्हारा नरक जाना निश्चित है, क्योंकि तुम जैन हो। जैनानुशासन, जैनियों का संयम, पक्षपात। मैंने पहले कहा भेद करेगा तुम, मैं ये कर सकता हूं कि नहीं, पहले बताओ तुम कौन हो। मैं तो जैन हूं, तो तुम्हारे लिए अलग कानून बनेगा, अजैन का अलग कानून बनेगा, तुम्हें अलग सजा मिलेगी। वही अपराध करने पर एक थाली पर एक साथ दोनों ने बैठ के एक समय शुद्ध भोजन किया, लेकिन दोनों की जब सजा बोली जाएगी तो जैनी को नरक दिया जाएगा और अजैन के लिए कुछ थोड़ी माफ करके कुछ कर दिया जाएगा। और एक साथ खाया था, क्योंकि तुम कौन थे? जैनी थे। जैसे महाराज और श्रावक में भेद किया संयम ने, ऐसे ही तुम्हें, तुम नहीं कर सकते बराबर, क्योंकि तुम जैन हो। एक व्यक्ति शराब पीता था, मैंने कहा देखो भाई शराब पियोगे, गुटखा खाओगे तो कैंसर हो जाएगा, सड़ जाओगे, मर जाओगे। बोले महाराज जी आप कुछ बातें ऐसी करते हो जिससे आपको ज्ञान भ्यान तो है नहीं, हम आपके धर्म की बातों को नहीं जानते तो हम लोग तो नहीं बोलते। आपको ना शराब का ज्ञान है ना गुटखे का ज्ञान है, और बस प्रवचन झाड़ते रहते हो, मर जाओगे, कैंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होता महाराज, कुछ नहीं होता इससे, कुछ नहीं होता। मेरा दोस्त है जो 100 साल से पी रहा है, 106 साल जिया वो, और इतनी शराब पीता था। मेरे सामने भी उस दोस्त को लाया गया, वो शराब पी के आया, वो दिन भर पीते ही रहता था, 106 साल जिंदा रहा। क्या बात करते महाराज आप, क्या जवाब है आपका? आपके शाकाहारी छना पानी पीने वाले 106 साल जिंदा नहीं रहे, हालांकि उनमें भी है उदाहरण है। अशोक पाटनी के पिताजी के पिताजी आर के रतनलाल जी 106 साल जिंदा रह के मरे, शुद्ध शाकाहारी थे, ब्रह्मचारी थे, एक टाइम भोजन करते थे। लेकिन हमने कहा ठीक है, बोले महाराज क्या बात है? मैंने कहा कौन है? मैंने कहा इससे पूछो इसके बाप भी शराब पीते थे क्या? बोले पीते थे, दादा पीते थे, 7 पीढ़ियों से पीती थी पूरी जाति, बोले पीती थी, खुल्लम खुल्ला पीते हैं, खुल्लम खुल्ला पीते हैं, इनके गुरु शराब पीने से बंधे तो नहीं? बोले नहीं है। मैंने कहा ये जिसके बाप ने शराब पीते पीते पैदा किया हो उसको शराब का नुकसान कम होता है। सुनो रे बाप लोगों, अपने बेटे को यदि शराब का नशा नहीं चढ़ाना गुटखा, तो शराब पीते पीते पैदा करना, शराब के जीन्स आएंगे, शराब उसको नुकसान नहीं करेगी। मैंने कि तेरे बाप, तेरे बाप को मैं जानता हूं, छना पानी पीते, रात में पानी नहीं पीते। मैंने कि तू बर्बाद हो जाएगा, तू जिंदा नहीं रहेगा, क्योंकि तू ऐसे बाप का बेटा है जिस बाप ने छना पानी पी करके पैदा किया है, जिसने शुद्ध भोजन करके पैदा किया है। तेरा जीन्स शुद्ध है क्योंकि तेरे बाप का आचरण है। उन्होंने कहा ये तो महाराज कैबे की बात है, 35 साल की उम्र में शराब पीते पीते मर गया, क्योंकि वो शुद्ध बाप का बेटा था, और वो 106 साल जिंदा रहा क्योंकि वो शराबी बाप का बेटा था। आज हो जाए तुम्हारे बाप कौन है बताओ रे, तेरे बाप शराबी है क्या? तुम लोगों के बाप गुटखा खाते हैं क्या? तुम लोगों के बाप पापी है क्या? तुम्हारे बाप दादे 7वीं पीढ़ी से, क्या तुम्हारी 7ों पीढ़ियों में रात्रि भोजन होता है? 7 पीढ़ी का पूछ रहा हूं, 7 पीढ़ी के बाद का नहीं पूछ, 7 पीढ़ी में तुम्हारे यहां रात्रि भोजन करते थे क्या? सब लोग बोलो एक साथ, 7 पीढ़ी में तुम्हारे बाप दादे शराब पीते थे? 7 पीढ़ी में गुटखा खाते थे? तो महानुभाव में बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं कि तुम इन सब चीजों को छोड़ देना, नहीं तो दुर्गति होगी, सड़ सड़ के मरोगे, क्योंकि तुम शुद्ध बाप के बेटे हो, तुम्हारा कुल शुद्ध है,
तुम्हारे बाप ने रात्रि में नहीं खाया, तुम्हारे दादा ने नहीं खाया, सात पीढ़ी वाला दादा से वहां तक का लिया जाता है। सात पीढ़ी में यदि किसी दादा ने रात में नहीं खाया हो तो महानुभाव आप नहीं खाना, नहीं तो दुर्गति। सात पीढ़ी ने कभी तुम्हारे कभी गुटखा तमाकू नहीं खाई तो मत खाना, नहीं तो सड़ सड़ के मरोगे। दुनिया को कैंसर होवे नहीं होवे, जैनी को सबसे ज्यादा कैंसर होता है। ये जैन धर्म का अतिशय है, जैन जाति का अतिशय है, जैन कुल का अतिशय है, जैन कुल जाति का ये अतिशय है। आप औसत लगा लीजिए, गुटखा खाने वालों में, तंबाकू खाने वालों में सबसे ज्यादा परसेंटेज में जैनियों को होता है, क्योंकि वो जैनी है। गुटखा पहचानता है मैं कौन खा रहा है, जैनी खा रहा है, क्योंकि उसका जीन शुद्ध है, कैंसर होगा। इसलिए तुम्हारे लिए खाना है तो भावना भाव कि ऐसे बाप के पैदा हो जो गुटखा खा के ही तुम्हें पैदा करे। रात में खाता हुआ ऐसे कुल में जाओ, कम इफेक्ट होगा। आप लोग जैन कुल में है महानुभाव, मत करना ये गलती, नहीं तो कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं बचा पाएगा। और ये भी कान खोल के सुनो, सबसे ज्यादा दुनिया की जातियां शराब गुटखा खावे, रात्रि भोजन खावे, इनको गुटखा हो या नहीं हो, लेकिन जैनी को जरूर होगा। और जैनी से भी सबसे ज्यादा, शिविर में भर्ती होने के बाद तुमने रात में या गुटखा खाया तो बेटा सड़ोगे मरोगे, ये शिविर का अतिशय है, चमत्कार है। शिवरात्रि होने के पहले सोच लो, शिवरात्रि होने के पहले का तो सब माफ है। अब तुम शिवरात्रि हो चुके हो, शिवरात्रि होने के बाद तुमने गुटखा की तरफ देख लिया तो ध्यान रखना, आंखों का कैंसर होगा, खा लिया तो मुंह का कैंसर होगा, पेट में गया तो पेट का कैंसर होगा, और तुम्हारा सर्वनाश निश्चित है। इस शिविर का सबसे बड़ा अतिशय यह है कि गुटखा खाने वालों को कैंसर जरूर होगा, 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 होगा। ये जैन धर्म का चमत्कार है, क्योंकि तुम कौन हो, क्योंकि तुम कौन हो, हाँ, क्योंकि समाज ने तुम्हें भिक्षा से भोजन करा लिया। ये भिक्षा का भोजन बेटा तुम्हें बर्बाद कर देगा। ऐसे ही नहीं है रोटियां खिला रहे लोग चेपे जाओ, लोग पैर पड़ रहे, पर्ची आ रही महाराज, लोग पैर पड़ रहे, बूढ़े बूढ़े लोग खड़े हो जाते तुम्हें देखकर। कल परसों पर्ची आ रही थी ना महाराज, हम लोग जाते हैं घर के दादाजी खड़े हो जाते हाथ जोड़कर, आओ आओ भैया, बड़े ऐसे हाथ जोड़कर खड़े हैं। कौन 15 साल 20 साल का छोकरा और 50 70 80 साल का बुढ़ा हाथ जोड़ के खड़ा रह रहा है। ये उनका खड़े होना बैठना साधारण मत समझ लो, बर्बाद हो जाओगे, ध्यान रखना। ये उसका अतिशय है, पैर पड़ रहे लोग, लोग महिलाएं ये तुम्हें मंदिर छोड़कर, धर्म छोड़कर तुम्हारा भोजन बना रहे हैं, शुद्ध भोजन बना रहे हैं, शुद्ध कर रहे। ये शुद्ध भोजन तुम्हारे पेट में पहुंच रहा है, ध्यान रखना बंधुओं। अब नहीं, अब नहीं, अब नहीं, बस बस हो गया, जो करना था कर लिया। अब शिविर में भर्ती होने के बाद अब ये सब नहीं, क्योंकि हमने शुद्ध भोजन कर लिया है, भिक्षा का भोजन कर लिया है। अब तुमने गुटखा खाया, अब शराब पी, तो इस शिविर का चमत्कार है, अतिशय है। फिर कल तुम बर्बाद हो जाओ तो फिर मत कहना इसलिए हमने पहले से ही कह दिया। अब तुमने रात में खाया, अभी तक तो सब तुम्हारी फाइल मैंने जमा करा के बरी कराने की जमानत ले ली है, मैंने जमानत ली है महाराज, ये सब रात्रि भोजन करने वाले हैं, इन अपराधियों को तुमने बंद किया, अपराधियों को शिविर में भर्ती किया, इन पापियों को तुम 16 का भोजन करा रहे हो, इन पापियों को घरों में भेज रहे हो, ये घरों में जाकर के सब लोगों के रहे आहार दान दिला रहे हो, इन पापियों को आहार दान दिला रहे हो। बताओ महाराज, इनकी एक एक पोल खोलूं? महाराज आप जानते नहीं हो, इनको आप आहार दान करा रहे, इनको हमारे चौके में भोज रहे, इनको हम शुद्ध खिलाए, हम एक एक को जानते हैं। ये सारे शिकायतें मेरे पास आई, शराब को से नहीं, मुझे तो अपने आप आ जाते,
सबकी फाइल है, लेकिन सब में मैंने रिमाइंडर लगा दिया, नोट लगा दिया, जो जो शिविर में भर्ती हैं उन्होंने आज तक जितने पाप किए, जितने गुटखे खाए, शराब पी, रात्रि भोजन किया, सब की मैं जमानत लेता हूं इनको बरी किया जाए। जमानत का अर्थ क्या होता है? उसको बरी, तुम्हारे 3,500 लोगों की जमानत मैंने ली है, अब बोलो मेरी जमानत जब्त कराओगे? जमानत गारंटी ली है। और ये भी ध्यान लो, कान खोल के सुनो, साधु ने जिसकी जमानत ले ली हो और उसके कारण उसकी जमानत जब्त हो जाए, तो ध्यान रखना जितना आशीर्वाद में फल नहीं है, जितना ज्यादा इसका साइड इफेक्ट है, बर्बाद हो जाओगे। साधु ने जमानत ली थी और तुमने उनकी जमानत जब्त करा दी। किसी ने कहा महाराज आपने जमानत की थी, देखो ये गुटखा खाते पाए गए, आपने जमानत दी थी, मेरी जमानत जब्त। आपने जमानत दी थी शराब पीते पाया गया, आपने जमानत ली थी रात्रि भोजन करते पाया गया, आपने जमानत की थी पाप करते हुए पाया गया। सावधान, जब भी यहां से जाने के बाद ऐसे कार्य करने का भाव आए, तुरंत आज की हिदायत ध्यान रखना, महाराज की जमानत जब्त हो जाएगी। परम उपकारी गुरु ने हमारी जिंदगी भर के किए हुए पापों की जमानत ले ली, क्या लेना देना था महाराज को, क्यों दलाली में काले हाथ कर रहे हैं, लेकिन जमानत ले ली। अंजन चोर की जमानत ले ली महाराज ने कि मैं जमानत लेता हूं, ये अंजन चोर है, बहुत बड़ा पाप है, महाराज ने उसकी जमानत ले दी, मैं इसकी जमानत लेता हूं, इसको रिहा कर दिया जाए। बड़े बड़े पापी विद्युत चोर जैसे 500 की जमानत ली महाराज ने, मैं जमानत लेता हूं। हर गुरु हर शिष्य की जमानत लेता है, क्योंकि अतीत में तो सबने पाप ही किए हैं, इतिहास सबका काला है, इतिहास सबका, इतिहास में पता नहीं क्या किए, लेकिन गुरु के पास जाते ही तुरंत उनको सूचना आती है, ये पापी आ रहा है, इसने इतने अपराध किए हैं, ये ऐसा है, इसका ऐसा है, तुरंत गुरु कहते हैं ठीक है, मेरी शरण में आए हुए कि मैं जमानत लेता हूं, इसको रिहा किया। बोलो महानुभाव, पापियों की ही जमानत होती है, गुरु जमानत ले रहा है तुम्हारी, इसका कोई उपकार नहीं है क्या? बोलो ना, जमानत कोई ले ले उसका कोई उपकार नहीं है क्या? अब आपका कर्तव्य क्या है? उसने तो जमानत ले दी मोह के कारण, राग के कारण, करुणा के कारण, अब जिसकी जमानत ली है उसका कर्तव्य क्या है? अब आपका कर्तव्य है कि जिस परम उपकारी गुरु ने मेरी जमानत ली है, मैं भली प्राण चले जाए तो चले जाए, मैं अपने गुरु की जमानत जब्त नहीं होने दूंगा। मैंने जमानत ली है तुम्हारी कि अब आज के बाद गुटखा नहीं खाएंगे, शराब नहीं पिएंगे, रात में नहीं खाएंगे, ऐसे गलत कार्य नहीं करेंगे। मैं जब भी तुम्हारा मन गलत कार्य करने का हो, तुरंत गुरु को याद रखना, सवाल मेरा नहीं है, कोई दोस्त कहेगा, कोई मेजॉरिटी कहेगी, अरे 10 दिन हो गया तो क्या हो गया, खा ले, तुम कहना अब तो नहीं खाऊंगा, मेरे लिए नहीं, अब सवाल मेरा नहीं है, बोल दो ना, सवाल मेरा नहीं है, मैं तो दुर्गति जाऊं तो जाऊं, मैं तो कहीं जाऊं तो जाऊं, सवाल मेरा नहीं है, अब सवाल मेरे गुरु का है, क्योंकि गुरु ने जमानत ली है। यदि किसी ने ये कह दिया महाराज यही है आपका स्वराज थी, बोलो उस समय क्या होगा मेरा? तुम्हारे कारण जो मस्तक कभी झुका नहीं है, वो तुम्हारा नाम आते ही शर्म से झुक जाएगा, ध्यान रखना। तुम्हारे कारण गुरु का मस्तक शर्म से झुका, उस शर्म से तुम भस्म हो जाओगे, 100-100 भवों तक मस्तक उठाने लायक नहीं रहोगे, क्योंकि तुमने गुरु को क्या कर दिया? और मस्तक उठा दिया तो
एक शिवरार्थी ने उठाया था, एक महाराज ने मुझे समाचार दिया था। वो महाराज उसके यहाँ पड़गान हुआ आहार देने, तो महाराज ने कहा ऐसा से तम्बाकू तो नहीं खाता, रात में तो नहीं खाता, शराब तो नहीं पीता। उसने कुछ नहीं कहा कि नहीं पीता नहीं। उन्होंने कहा महाराज जी आपको मालूम होना चाहिए हम सुधा सागर के शिविर के शिवरार्थी हैं। उन महाराज ने कहा ऐसे उससे बोला रोब से जैसे कोई पैटर्न हो कि इस शिविर में जाने के बाद उसमें ये दुर्गुण रहते ही नहीं है। बस एक ही जवाब दिया महाराज, ये सब चीजें पूछे इतने ही काफी है, मैं शिविर का शिवरार्थी हूं। महाराज ने कहा शिविर का शिवरार्थी है तो इससे क्या हुआ? बोलो जो इस बार जो इस शिविर में चला जाता है उसमें ये दोष समाप्त हो जाते हैं। फिर द्वारा मेरे छाती भूल करके 56 इंच का सीना हो गया मेरा। मैं 10-10 दिन तक जो तुम्हें 8-8 घंटे देता हूं वो सफल हो गए। मैंने कहा भगवान सफल कर दिया, जिस शिष्य ने मेरा मस्तक ऊंचा उठा दिया, जिस शिष्य ने साधु को ये कह दिया आपको मालूम होना चाहिए हम शिवरार्थी हैं, इतनी पहचान शिविर की कि शिविर में भर्ती होने वाला इन दोषों से रहित रहता है। उन महाराज ने ऐसे गदगद भाव से सुनाया। बस महानुभाव मैं तुम्हारी जमानत ले रहा हूं, तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, बस 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 मुझे एक मजदूरी में दे देना कि कभी मेरी जमानत जब्त नहीं होने देना, क्योंकि तुम्हारी जमानत से मुझे कोई लाभ नहीं, मात्र करुणा बस दया बस कि तुम मेरी शरण में आए हो तो तुम्हारे सारे अपराध माफ हो जाना चाहिए, अन्यथा सुन लो कान खोल करके यदि मेरी जमानत जब्त कराई तो मैं तो बरी हो ही जाऊंगा, मुचलका भर दूंगा और क्या करेंगे। मैं तो फिर से अपनी जितनी जिंदगी भर की कमाई यदि जब्त भी हो जाएगी मैं तो फिर से कमा लूंगा। मैं वो कमाऊ बेटा हूं कि कल की कमाई पे भरोसा नहीं रखता, नई कमाई इतनी है कल से फिर कितना शुरू कर दूं, फिर सामायिक करूंगा, फिर प्रतिक्रमण करूंगा, फिर स्वाध्याय करूंगा, फिर तत्व चिंतन करूंगा। साधु का व्यापार तो सदा चलते ही रहता है, फिर कर लूंगा। लेकिन तेरा क्या होगा अरे कालिया? मेरी तो जमाना जब्त हो जाएगी, मैं कर लूंगा कोई बात नहीं, जो दंड होगा वो भोग लूंगा, बहुत जल्दी निकल लूंगा। लेकिन तुम्हारा साधु की जमानत जब्त हो गई क्योंकि तुम शिवरार्थी हो। संयम का दिन कहता है तुम कौन हो? तुम शिवरार्थी हो, तुम रात में नहीं खा सकते। और अपने दोस्तों से सबसे कहना अब नहीं, अब सवाल मेरे गुरु का है। मैं गुरु को ऊंचाइयां नहीं दे सकता हूं तो मेरे कारण गुरु का मस्तक शर्म से झुकेगा, ये भी मैं नहीं होने दूंगा। मरूं तो मर जाऊंगा लेकिन रात में नहीं खाऊंगा क्योंकि मैं शिवरार्थी रहा हूं। गुरु ने मुझे गंदोदक लगाया है, ये कोई इन कानों से गंदी बातें नहीं सुनूंगा क्योंकि गुरु ने 10 दिन मुझे जिनवाणी सुनाई है। ये मस्तक में कोई पाप की बात नहीं आएगी क्योंकि यह मस्तक गुरु के गंदोदक से पवित्र हुआ है। गुरु ने सिर पे गंदोदक लगाया है, इसको गंदा मत होने देना क्योंकि ये गंदोदक से पवित्र हुआ। तुम कौन हो? और हुआ तो उसका जो हस्र है शिविर का अतिशय है। जिसने शिविर के जाने के बाद नियम तोड़े उनको कैंसर निश्चित है। अभी से पैसा जोड़ना चालू कर दो और जोड़ लो, कितने जोड़ लो, ऐसा कैंसर होगा शिवरार्थी को कि उसका अमेरिका में भी इलाज नहीं होगा। इसलिए तुम कौन हो? जैसे मुनि और श्रावक में भेद किया ऐसे ही तुम्हारे में और दुनिया में भेद है।
ये द्रव्य अनुशासन, क्षेत्र अनुशासन की चर्चा चल रही, क्षेत्र अनुशासन, हर क्षेत्र में हर कार्य नहीं करना। उत्तम संयम धर्म कहता है क्षेत्र अनुशासन, अपने क्षेत्र को अनुशासित करो, कौन से क्षेत्र में क्या करना है, ये क्षेत्र संयम कहता है। करने की मनाही नहीं है, लेकिन क्षेत्र कौन सा है, क्षेत्र को। कालानुशासन, कार्य करने की मनाही नहीं है, लेकिन ये काल कौन सा है, बोलो, अष्टमी है, चौदस है, ये कौन सा काल है, दस लाक्षण। कार्य सब तुम करोगे, लेकिन दस लाक्षण कालानुशासन नहीं, आज पर्व का दिन है, पर्व के दिन मैं यह कार्य नहीं करूंगा, ये काल का संयम है। दशलाक्षण पर्व है, अष्टान का पर्व है, नंदीश्वर पर्व है, अष्टमी चौदस पर्व है, आज मेरा व्रत है, नियम है, उस दिन जो तुम प्रतिदिन करते थे आज नहीं करूंगा। निषेध नहीं है, आप करने की छूट है, लेकिन कालानुशासन, काल का संयम, काल का संयम। द्रव्य छेद काल भव, बहुत सारे कार्य हैं जो अन्य भवों में किए जाते हैं, लेकिन तुम्हारा भव कौन सा है, और भव में ये सब जाति पाति ये सब आ जाएंगे भव में। फिर भावानुशासन, भावों पे कंट्रोल करो, सब भाव करने योग्य किए जाते हैं, लेकिन मैं ये भाव नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मुनि हूं, मैं श्रवणार्थी हूं, मैं जैन हूं, मैं मनुष्य हूं। कौन से भाव करने योग्य नहीं है तुम्हारे लिए, कौन से भाव नहीं करना चाहिए, ये जब ये तुम्हारा हो जाए, द्रव्य छेद काल का संयम हो जाए, फिर आ जाओ मंत्रा मनानुशासन, मन को जो चाहे विचार करो, नहीं अनुशासन करो मन पर, मैं ये विचार नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरा मन है, ये जैनी का मन है, किसका मन है, ये मुनि का मन है, मन कुछ भी सोचता है, मुनि महाराज मन कहता है वो भी तो सोच रहे हैं, नहीं तो किसका मन है, मुनि का मन है, किसका मन है, शिवरार्थी का मन है, किसका मन है, जैनी का मन है, जैनी का मन क्या सोचना, ये संयम कहता है, सब बातें दुनिया में सब सोचने लायक हैं, सब सोचो, लेकिन संयम कहता है ये सत्य की बात थी, सब सोचो, और संयम की बात है ये मन किसका है। मुनि महाराज भी वही सोच सकते जो आप सोचते हो, बोलो, नहीं सोच सकते, क्योंकि ये मन किसका है, संयम कहता है, संयम भेद डालता है, ये मुनि का संयम। नेत्रानुशासन, देखने लायक वस्तु है, लेकिन ये किसकी आंख है, किसकी आंख है, मुनिराज की आंख है, मुनिराज सारी दुनिया देखने लायक है, क्योंकि रूप है, रूप है, देखने के लिए है, लेकिन तुम कौन हो, देखो रूप है देखने के लिए है, आंख है देखने के लिए है, लेकिन संयम धर्म कहता है सावधान, तुम कौन हो। मुनि की आंख सब कुछ नहीं देख सकती, दुनिया तो देख रही है, वो दुनिया की आंख और तुम्हारी आंख में, बोलो, मुनि महाराज सब कुछ देख सकते हैं, हैं? बोलो ना, तुम देख सकते हो, एक आध पिक्चर तो देखूं मैं, तो तुम देख सकते हो, तो अब महाराज जी देखो, अब आप उत्तम संयम धर्म कहता है श्रावक की बराबरी मत करना, श्रावक यदि देख रहा है तुम नहीं देखोगे, मुनि है पक्षपात है, पक्षपात नहीं है, तेरी आंख सब कुछ नहीं देखती, इसलिए उच्चासन पर बैठा है, अन्यथा नीचे बैठना पड़ेगा, क्योंकि तेरी नेत्रानुशासन, नेत्रों का अनुशासन करो, सब दुनिया में देखने की चीज है, लेकिन संयम कहता है सब चीज देखने लायक तुम्हारी शिवरार्थी की आंख है, तुम्हारी जैनी की आंख है, और जो अच्छे लोग हैं, मैंने कहा ना मुनि अच्छे हैं कि बुरे, मुनि अच्छा माना जाता कि बुरा, श्रवणार्थी अच्छा माना जाता कि बुरा, जैन अच्छा माना जाता कि बुरा, बस तुम अच्छे हो, अच्छे लोगों के लिए संयम है, तुम आंख झुका लो, मुनिराज कोई ऐसी देखते ही नेत्र संयम कर लेते हैं। कर्णानुशासन, इंद्रिय अनुशासन, इंद्रिय संयम बता रहा हूं, मैंने कहा प्राणी और इंद्रिय संयम, इंद्रिय संयम, कर्णानुशासन, ये कान है सब कुछ सुनो, नहीं कौन हो, ये मुनि के कान है सब कुछ नहीं सुनेंगे,
ये जैनी के कान है, सब कुछ नहीं सुनेंगे। कानानुशासन, कर्णानुशासन, कानों का अनुशासन करो। सब जो जो शब्द हैं सब सुनने लायक हैं। संयम धर्म कहता शब्द है, कान का विषय है, लेकिन संयम कहता है हर चीज हर व्यक्ति को सुनने लायक नहीं है। कर्णानुशासन, वचनानुशासन, मुखानुशासन, सब बोलने के लिए है, लेकिन क्या बोलना, किसका मुख है? हित मित प्रिय वचन है, जग सोहित कर सब अहित हर। ऐसे वचन बोलो जो सबका हित करे। मुख चंद्र ते अमृत झरे, क्योंकि ये बात किसका है? मुख का संयम, मुखानुशासन, नाश का अनुशासन। सबकी सुन सकते हैं क्या? किसकी नाक है? तुम इतर फुले लगा सकते हो ना थोड़ा थोड़ा, लेकिन तुम कौन हो? किसकी नाक है? किसकी नाक? मुनराज गुलदस्ता नहीं सुन सकते, क्योंकि मुनराज की नाक है। नाकानुशासन, इसी प्रकार स्पर्शानुशासन, पांचों इंद्रियों का अनुशासन करना उत्तम संयम धर्म सिखाता है। और जिंदगी में जो जो चीजें आए सब, तुम कौन हो? पिता हो, पिता अनुशासन। सारे पिता जो कर सकते तुम नहीं कर सकते, पिता का संयम। बेटा अनुशासन, तुम बेटा हो, पिता आने पर खड़े होना पड़ेगा, बड़ों का सम्मान करना पड़ेगा, ये बेटा का अनुशासन है। तुम पति हो, पत्यानुशासन, जो चाहे नहीं कर सकते तुम, क्योंकि तुम क्या हो? स्वच्छंद व्यक्ति है, जो जो पति नहीं है वो तुम नहीं कर सकते हो। पत्यानुशासन, तुम अब पति बन चुके हो, अब तुम जो चाहे नहीं कर सकते हो। पत्यानुशासन, पत्नी अनुशासन, पत्नी, अब तुम छोरी छपाटी नहीं रहे हो, क्या बन गई हो? हैं, पत्नी बन गई हो, अब पत्नी का अनुशासन। सत्य कहता था सब स्त्री बराबर हैं, सब स्त्रियां जाति एक है, सब जातियां हैं, लेकिन संयम धर्म कहता है नहीं, तुम स्त्रियों में अब किसी की पत्नी हो। पत्नी अनुशासन, अब तुम्हारी मर्यादा होगी, अब तुम्हारी सीमा होगी, अब तुम स्वच्छंद नहीं हो सकते। वैवाहानुशासन, बहु, बहु का अनुशासन क्या होना चाहिए? सास्वानुशासन, सासू धन अनुशासन, सास्वानुशासन, सासू का अनुशासन, क्योंकि तुम कौन हो? बोलो, सासू हो तो आप सासू पुराण पढ़िए। उत्तम संयम धर्म कहता है सासू को अपने अनुशासन में रहना चाहिए। तुम बहू हो अनुभूति में, तुम कौन हो? बहू हो तो बहू का अनुशासन होना चाहिए। बेटी हो तो बेटी का अनुशासन होना चाहिए। अब तुम जाकर के कपड़े लेने गए, कपड़े अनुशासन, हर कपड़ा नहीं पहन सकते, क्योंकि तुम जैन हो, कोसा का कपड़ा नहीं पहनोगे, हिंसक कपड़ा नहीं पहनोगे। साबुन अनुशासन, साबुन, साबुन, कपड़े धोना है, नहाना है, हर साबुन नहीं लगा सकते, क्योंकि तुम जैन हो, दशलाक्षण पर्व है इस समय। साबुनानुशासन, साबुन का संयम। बाथरूम अनुशासन, हाँ, बाथरूम में जाकर के तुम कब नहीं कर सकते, दशलाक्षण पर्व है। जलानुशासन, पानी पी सकते हो, लेकिन तुम जैन हो, कौन सा जल? जल तो सब है, जल तो सब है, लेकिन जलानुशासन, जल का संयम। सारे जल पीने लायक नहीं है, छना हुआ जल। तुम मुनि महाराज हो, जलानुशासन, छना हुआ ही नहीं, गर्म जल ले सकते हो, ये जलानुशासन। देखो, प्यास तो बिना छने से भी बुझती है कि नहीं? छने से भी बुझती है कि नहीं, गर्म से, लेकिन भेद कर दिया जल में। कौन हो तुम? मुनि महाराज, जलानुशासन, गर्म जल लोगे। तुम श्रावक हो, छनानुशासन, जलानुशासन, छान के जल लोगे। भोजनानुशासन, सब चीजें खाने लायक हैं जो है, लेकिन तुम कौन हो? भोजन की थाली का अनुशासन, जैन, संयम धर्म तुम्हारे जल के लोटे में पहुंच गया। संयम धर्म तुम्हारी भोजन की थाली में पहुंच गया। क्या खा रहे हो?
जो खाने योग्य खा रहा हूं, नहीं, भोजनानुशासन, भोजनानुशासन, ये भोजन नहीं कर सकते तुम, तुम जैन हो, दस लाख क्षण पर्व है, तुम महाराज हो, भोजन संयम भोजन की थाली पर भी है, भोजन की थाली पर। व्यापार अनुशासन, सब व्यापार किए जा सकते हैं, मांस का भी मछली का भी दुनिया के, नहीं तुम कौन हो, व्यापार अनुशासन, ये व्यापार तुम नहीं कर सकते। जूता अनुशासन, संयम धर्म पहुंच गया जूते चप्पल पर, संयम धर्म की गति देखो, जूता अनुशासन, जूते पहन सकते हो आपके, नहीं बोलो ना, बोलो ना, लेकिन सारे जूते नहीं पहन सकते, तुम जैन हो शिवरात्रि हो चमड़े का जूता नहीं पहन सकते हो, यह जूता अनुशासन है। संयम कहां पहुंच गया, जूते चप्पल तक पहुंच गया, चप्पल चमड़े की भी होती है, जूता चमड़े का भी होता है, नहीं अच्छे लोग जैनी अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग, शिवरात्रि अच्छे लोग हैं कि बुरे लोग, तो अच्छे लोग के साथ ही संयम चलेगा, संयम जूता पहनते समय भी कहेगा नहीं ये जूता नहीं पहनूंगा क्योंकि मैं जैनी हूं, जूतानुशासन। हर चीज में जितने भी चीजें हैं सब चीज में अनुशासन लगा दीजिए, जितनी उपयोग की चीजें हैं सब में अनुशासन लगा दीजिए, सब करने योग्य है लेकिन सब करेगा ऐसा कोई नियम नहीं। रिश्तेदार हो तो रिश्तेदारानुसार, भोजन में आ गया ना फास्ट फूड वगैरह सब भोजनानुशासन, भोजन क्या कर सकते हो वो जैनी को ध्यान रखना है, क्योंकि अच्छे लोगों के लिए संयम है, सम्यक दृष्टि के लिए संयम है, सम्यक दृष्टि फास्ट फूड नहीं खाएगा, सम्यक दृष्टि जैनी फास्ट फूड नहीं खाएगा क्योंकि वो जैनी है और जैनी का भोजनानुशासन होता है। संसार में एक जाति ऐसी है जिस जाति के नाम का भोजन मिलता है जिसे जैन भोजन कहते हैं, आज तक किसी जाति ने सारे संसार में, यह है संयम धर्म, भोजनानुशासन, भोजन का संयम, देश और विदेश में प्लेन में गाड़ियों में सब में एक ही बात पूछे थी कौन सा भोजन है, जैन भोजन, दुनिया किसी जाति का भोजन नहीं बन पाए, जैन जाति की पहचान बन गई, सबसे अल्पसंख्यक है सबसे कम है लेकिन कितनी बड़ी पहचान है, सारे जगत में जैन भोजन प्रसिद्ध है कि जैनी कभी जैनी मांस नहीं खाएगा, जैनी आलू प्याज नहीं खाएगा, जैनी फास्ट फूड नहीं खाएगा, जैनी चाइना नहीं करेगा, जैन भोजन सारे जगत में, एक छोटी सी समाज आज उत्तम भोजनानुशासन के कारण, भोजन संयम के कारण आज विश्व में जैन भोजन की पहचान बन गई है। लेकिन दुर्भाग्य है कि अजैन लोग जैन भोजन मांगते हैं और जैन लोग कहते हैं नहीं हमें तो चलता है, हमें तो चलता है, वो कह रहे हैं आप जैन है जैन भोजन, नहीं 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 हमें तो वही चलता है, सब लाओ नॉन वेज लाओ सब चलता है, आलू भी चलता है प्याज भी चलता है भालू भी चलता है सब चलता है, आप तो लाया हो, जैन राक्षस हो गए, बर्बाद हो जाओगे रे, ध्यान रखना, क्योंकि तुमने जैन होकर के जैन भोजन का अपमान किया है, सारा जगत जैन भोजन जानता था, आज उत्तम संयम धर्म कहता है भोजनानुशासन, भोजन पर अनुशासन करो। और कितने अनुशासन बताएं, हमारे यहां 10 मुंडन कहे, पंच इंद्रिय मुंडा, इन पर अनुशासन रखो, हत पाए मुंडा, मन वचन काय मुंडा, ये 10 है, 5 इंद्रियों के पूज्यवर भट्ट के आचार्य ने, 5 मुंडन का यानी 5 अनुशासन रखो, पांचों चीजें, हत पाए मुंडा यानी हाथ पैरों का अनुशासन, जहां चाहे पैर उठ जाए, पैर है चल रहा हूं नहीं, पैरानुशासन पदानुशासन, ये हर जगह पर ये पैर नहीं जाएंगे, ये पैरों का संयम है। हस्तानुशासन, ये हाथ हर जगह हर कार्य के लिए नहीं उठेंगे, ये हाथ हर कार्य कर सकते हैं, किसी की गर्दन भी दबा सकते हैं, किसी के प्राण भी बचा सकते हैं, ये मुनि के हाथ हैं, ये जैनी के हाथ हैं, इन पर हस्तानुशासन, अनुशासन हाथों का रहेगा, मन वचन काय का मैंने बता ही दिया कि मन का वचन का काय का, ये सारे अनुशासन यानी आज हर चीज में तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अनुशासन। और अनुशासन 5 चीजों पर,
तुम कौन हो, जो तुम कर रहे हो सबसे पहले ये सोचना, मैं कौन हूं, जो मैं हूं क्या इस कार्य पद पर ये कार्य किया जा सकता है। पहले तो निर्णय करो मैं कौन हूं, फिर संयम आएगा। पहले तो निर्णय करो कि तुम कौन हो, अच्छा पद है कि बुरा पद है, उच्च पद है कि नीच पद है, प्रशंसनीय है कि निंदनीय पद है। पहले यह फैसला जनंदेव पूछता है, तुम बताओ पहले कौन हो। यदि तुम्हारा अच्छा पद हुआ तो तुम्हें उपदेश दिया जाएगा, किसी से बड़ा पद हुआ तो संयम का उपदेश है, अन्यथा मिथ्या दृष्टियों को पापियों को संयम का उपदेश नहीं दिया जाता। सम्यक दृष्टि हो, किस अपेक्षा से तुम महान हो, 84 लाख योनियों में तुम मनुष्य हो, महान हो। बैंक कौन हो तुम, मनुष्य हो, अब संयम का उपदेश दिया जाएगा क्योंकि तुम मनुष्य हो, सबसे ऊंचे हो। मनुष्यों में भी तुम कौन हो, जैन हो, अब उपदेश दिया जाएगा क्योंकि तुम उच्च हो, महान लोगों के लिए। ये तो पहले निर्णय करो मैं कौन हूं, फिर निर्णय करो मैं कहां हूं, क्षेत्र कौन सा है, फिर निर्णय करो कि ये काल कौन सा है, फिर निर्णय करो भावों का, परिणाम का, फिर ये सारे अनुशासन आपके होना चाहिए। अब इससे अंदाज लगा ले कि ये संयम धर्म तुम्हारे जूतों पर भी जा रहा है, कौन सा जूता पहन रहे हो। इतने अच्छा धर्म वहां तक पहुंच गया तुम्हारे, हाँ, क्योंकि तुम अच्छे आदमी हो। वो जूतों के पास नहीं पहुंचा है, वो तुम्हारे पास पहुंचा है कि तुम गंदे आदमी हो कि अच्छे आदमी। तो धर्म ने कहा मैं जाता हूं, वहां कहां जा रहे हो, मैं देख रहा हूं कौन कैसे जूते पहनता है शिविर में जाने के बाद। आज का संयम का धर्म तुम्हारे साथ भेजूंगा बेटा, ध्यान साथ भेजूंगा। और तुम का तो मैं धर्म से पूछूंगा क्यों जा रहा है, ये तो सब कबाड़ा करेंगे। बोले नहीं, मैं देखूंगा क्या करते हैं जूता, तुम अच्छे आदमी बन गए 10 दिन में। तो अब संयम तुम्हारे पास जाएगा, जैसे ही तुम पैर में जूता पहनोगे तुरंत ध्यान रखना जूतानुशासन, मुझे ये जूते नहीं पहनना है क्योंकि मैं शिवरार्थी हूं, अच्छा आदमी हूं, मैं जैन हूं, चमड़े के जूते नहीं पहनूंगा, चाहे बिना जूते के रह जाऊंगा। सब चीजों में इस प्रकार का आपका समय हो गया, बहुत बड़ी बात। आज अनुशासन, संयम धर्म, सत्य के बाद संयम क्यों दिया, क्योंकि सत्य स्वतंत्र था, विहंगम था, और संयम ने कहा कि नहीं कुछ भेद करो, कुछ भेद करो, अंकुश लगाओ, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। सब लोग एक समान, मुनि राज श्रावकों जैसे रहेंगे, श्रावक पापियों जैसे रहेंगे, मनुष्य जैसे रहेंगे, सब टके शेर भाजी, टके शेर खाजा, अंधेर नगरी चौपट राजा। यदि आज संयम धर्म नहीं होता, आज यदि सत्य के ऊपर संयम नहीं होता तो यही हो जाता, टके शेर भाजी टके शेर, जो श्रावक कर रहा है वो मुनि करते, और जो श्रावक जो दूसरा पापी कर रहा है वो श्रावक करते, जो पशु कर रहे हैं वो तुम करते, क्योंकि सभ्य शुद्धा हूं, सभी शुद्ध न हैं, तो जो पशु करते वो तुम करते। तो फिर ध्यान रखना, पशु करते तुम करते, फिर सूकर जो खाता वो भी तुम खाते, कुत्ता जो करता वो तुम करते। नहीं, संयम कहता है नहीं होगा, मनुष्य मनुष्य रहेगा, पशु पशु रहेगा, कुत्ता कुत्ता रहेगा, देव देव रहेगा, सब नहीं कर सकते। संयम ने एक एक चीज का बंटवारा कर दिया, कुत्ते का अनुशासन अलग होगा, मनुष्य का अनुशासन अलग होगा, सब चीजों का। इसलिए सत्य के बाद उत्तम संयम धर्म ने सृष्टि के विनाश को रोक लिया, नहीं तो ये सत्य धर्म से विनाश हो जाता, क्योंकि उसमें अभेद है, अखंड है, सर्वरूप है, सर्वव्यापी है, वो कुछ नहीं करता। लेकिन संयम ने आकर के, महावीर स्वामी के जैन दर्शन ने आकर के संयम सब पे अंकुश लगा दिया और सबके लिए कह दिया, नहीं सब कुछ तुम्हें करने योग्य नहीं है, कार्यानुशासन, कार्य करने के पहले देखो तुम कौन हो, क्या हो, कहाँ हो, कैसे हो, कब हो, इन सब बातों पर विचार करना महावीर भगवान की।